हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एक जनत में। यह है शालिनी, मैं हूं गौरव। आज हम आए हैं अलवर। अलवर राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है पांडवों ने जब अपना वनवास काटा तो आखिरी के कुछ साल उन्होंने यहीं पे बिताए। अलवर मशहूर है अपने फोर्ट्स के लिए, अपने किलों के लिए। यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारी जगहें जहां हम घूमने जाएंगे, जैसे कि सिली सेट, अलवर सिटी पैलेस, फिर हम चलेंगे बाला किला, वहां पे हम लेंगे जंगल सफारी। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मिल सके आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाली वीडियोज़ की। अलवर राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से 3 घंटे की ड्राइव पर है। कई ट्रेन्स भी चलती हैं अलवर शहर के लिए। यहाँ की खूबसूरती बढ़ती है यहाँ के अरावली माउंटेन रेंज से, जिसके सामने अलवर का शहर बसा हुआ है। इसको और खूबसूरत बनाता है यहाँ के किले, यहाँ के लेक्स, टाइगर रिजर्व सेंचुरी जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं जंगल सफारी, और सरिस्का बफर जोन में ट्रैकिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कहानियाँ हैं अलवर शहर के बारे में, जिसको हम आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और इन्जॉय कीजिए अलवर शहर हमारे साथ। तो शुरू करते हैं अलवर सिटी पैलेस से। तो हम आ गए हैं अलवर सिटी पैलेस, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर पुष्पिंदर, जो कि हैं हमारे लोकल गाइड। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर इन अलवर। एंड अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं सिटी पैलेस, और पूरा सिटी पैलेस कैंपस में अभी हम एट प्रेजेंट खड़े हुए हैं, और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली अंदर मूव करेंगे पैलेस के अंदर में। बहुत ही अच्छा ग्रैंड पैलेस आपको जैसे सब दिखाएंगे, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम एंट्री करेंगे इसके मेन गेट से, जो स्टेट टाइम में गेट हुआ करता था। यह है जनाना डीओडी, रानियों का महल, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बारीक जाली का काम किया गया है। जाली का काम इसलिए किया गया है क्योंकि पहले पर्दा प्रथा होती थी, ताकि रानियां तो बाहर देख सके लेकिन बाहर से अंदर कोई ना देख सके, इसलिए जाली का काम किया गया है। ये अलवर सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस है। ईयर 1793 में अलवर के सेकंड राजा बख्तावर सिंह जी ने ये पैलेस बनवाया था। बहुत ही सुंदर राजस्थानी आर्किटेक्चर में बनाया गया है इस पैलेस को, और साथ में ही दिखने को मिलती है झलक कुछ बंगाली आर्किटेक्चर की भी। सिटी पैलेस को विनय विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर से बनी यहाँ के मंडप इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं, और भी इन्हांस कर देते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत मिश्रण राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का भी। कंपाउंड में जो बीच में फाउंटेन लगा हुआ है, यहाँ पर लोग होली का त्यौहार राजा के साथ खेलते थे, इसमें पूरा रंग मिला दिया जाता था। कहते हैं राजा हाथी पर शहर में निकला करते थे, और घरों में जो महिला होती थी वो राजा पर रंग फेंका करती थी, तो इस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता था। हम पहुंच गए हैं म्यूज़ियम, जो कि अलवर सिटी पैलेस के अंदर ही है, और यहां से हमें बहुत ही सुंदर सिटी व्यू देखने को मिल रहा है। सामने बहुत ही खूबसूरत अरावली हिल्स दिखाई दे रहे हैं। इसको बैकबोन ऑफ अलवर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा अलवर शहर इसके आगे ही बसा हुआ है। अभी हम म्यूज़ियम जाने लगे हैं, और यहाँ की एंट्री फीस जो है इंडियन टूरिस्ट के लिए है 20 रुपये, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है 10 रुपये। हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींची हैं। अलवर सिटी पैलेस का मेन चार्म है यहाँ का म्यूज़ियम, और ये अलवर के मस्ट विजिट्स में से एक है। अलवर म्यूज़ियम 1940 में बनवाया गया था अलवर के 7th रूलर तेज सिंह जी के अंडर, और अभी जो प्रेजेंट डे में ये मेंटेन्ड और एडमिनिस्ट्रेड है बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मूर्तियाँ हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉटरी, स्टफ्ड एनिमल्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग राजाओं की हथियार हैं और तलवारें हैं। यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक जो तलवार है वो है एक म्यान में दो तलवार। ये है महाराजा जयसिंह जी की इम्पोर्टेड पेडरसन बाइसिकल। ये है जयसिंह जी द्वारा शिकार किया हुआ सबसे लंबा टाइगर, और इसकी हाइट 9 फीट है। ये म्यूज़ियम जो है बहुत ही सुंदर है, और इसको इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है
ये किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि हम एक गवर्नमेंट म्यूजियम में हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्राइवेटली रन म्यूजियम में हों। सामने आप देख रहे हैं मूसी महारानी की छतरी, जो अलवर सिटी पैलेस के जस्ट पीछे ही है। इसे मूसी रानी की छतरी और भक्तावर सिंह राजा की छतरी भी बोलते हैं। 1815 में अलवर के तीसरे राजा विनय सिंह जी ने इसे अपने फादर और उनकी एक रानी के लिए बनवाई थी। जब भक्तावर सिंह जी की डेथ हुई तो उनकी एक रानी थी जो पहले उनके दरबार में थी और फिर उनसे उनकी शादी हुई और उसी आग में कूदकर वो उनके साथ सती हो गई। इस इटर्नल मेमोरी की वजह से उनके बेटे विनय सिंह जी ने ये मूसी महारानी की छतरी बनवाई। मूसी रानी छतरी को 84 खंभों की छतरी या राजस्थान का मिनी ताजमहल या संगमरमर की छतरी से भी जाना जाता है। ये जो सामने माउंटेन ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है, ये अलवर का टूरिज्म का मोनोग्राम काफ़ी टाइम तक रहा है और इस स्ट्रक्चर से अलवर को आइडेंटिफाई भी किया जाता रहा है वेबसाइट्स में या ऑनलाइन पे। इसके जस्ट नीचे वाइट स्टोन में मनसा माता का मंदिर है, जो काफ़ी लोग यहाँ के लोकल मानते हैं और नवरात्रों में मेला भी लगता है। 12 छतरियाँ चारों किनारों पर बनी हुई हैं। पहले ये कच्चा तालाब था जो भक्तावर सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद विनय सिंह जी ने जब यहाँ पर मूसी रानी की छतरी बनवाई तो इसको भी पक्का करवा दिया। इसकी गहराई 30 फीट है और इसमें अभी तकरीबन 14 फीट पानी है। हम पहुँच चुके हैं सरिस्का बफर जोन और यहाँ पर हम इंजॉय करेंगे जंगल जीप सफारी और साथ में इंजॉय करेंगे ट्रैकिंग भी। बफर जोन का एक्चुअली यही एडवांटेज है कि आप ट्रैकिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कोर रिजर्व में आपको अलाउड नहीं होता। सरिस्का बफर जोन में जीप सफारी की गवर्नमेंट टिकट कॉस्ट है 1420 रुपये इंडियन नेशनल्स के लिए, जो आप यहां पर बुक कर सकते हैं और इसमें आपको मिलती है 1 घंटे की जीप सफारी। 1 घंटे की बजाय अगर आप 2 घंटे की जीप सफारी इंजॉय करना चाहते हैं विद अ प्रोफेशनल गाइड, जो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें और घुमा सकें, तो आप प्राइवेटली भी बुक कर सकते हैं। चार्जेस हैं 3,000 रुपये। जिनकी सर्विसेज हमने ली उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जिप्सी में 5 मेंबर्स तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। वेलकम टू सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर बफर जोन, विच इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टाउन ऑफ अलवर। बालाकिला रिजर्व फॉरेस्ट या सरिस्का का बफर जोन के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट हैज़ ए सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग द जंगल इन डिफरेंट पार्ट फॉर द डिफरेंट पर्पज। सो गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड द जंगल इन 3 पार्ट्स बेसिकली, कोर एरिया, बफर एरिया एंड सफारी जोन। ओके, सो 881 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कोर एरिया, 332 स्क्वायर किलोमीटर रिमेनिंग एरिया इज बफर एरिया, वेयर वी आर राइट नाउ मूविंग। तो हम अभी यहाँ आ गए हैं, किले के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। ये जयपुर दरवाज़ा है और जैसे ही हम इसको एंटर कर जाएंगे हम किले के अंदर पहुँच जाएंगे। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं बाला किला के बाहर, पर अंदर जाने से पहले ट्रैकिंग का लेते हैं मज़ा और चलते हैं हवा बुर्ज और इन्जॉय करते हैं अलवर का सिटी व्यू और जानते हैं हवा बुर्ज के बारे में। हम आ गए हैं हवा बुर्ज पे, बाला किला की जो बाउंड्री का एक बड़ा बुर्ज है। बुर्ज का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से सैनिक या जो भी सेनापति हैं वो पूरा मूवमेंट चेक कर सकते थे कि कोई इन्वेजन हो रहा है या कोई बाहर से आक्रांता आ रहा है उससे, क्योंकि फार साइट होता था। आप जैसे इधर से भी देखेंगे तो नीचे तक आपको दूर तक की व्यू आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह के बुर्ज बनाए जाते थे। हवा बुर्ज सबसे बड़ा बुर्ज था और ये शहर को देखता हुआ यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं आप। दूर से कोई सेना की टुकड़ी मान लो आ रही होगी, कोई पलटन आ रही होगी, तो दूर से ही पता लग जाएगा और वो फिर अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर देंगे आगे राजाओं को। अभी हम बाला किला फोर्ट में हैं, जिसे अलवर फोर्ट या अलवर का किला भी कहा जाता है। बाला किला को बाला किला क्यों कहा जाता है इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
बाला किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी गई। राजपूताना टाइम में ये माना जाता था कि जब किसी फोर्ट में कहीं लड़ाई नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, तब तक उस किले को कुवारा ही माना जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ाई हुई नहीं, इसलिए इसको बाला किला का नाम दिया गया। ये है अश धातु से बनी तोप और ये काफ़ी चमकीली है। कहा यह जाता है ये चमकीली इसलिए है क्योंकि इसमें गोल्ड भी मिक्स है। अब हम रिज्यूम करते हैं अपनी जंगल सफारी। राजा जयसिंह जी को शिकार का काफी ही शौक था और अंग्रेजों को भी लाया करते थे। बताया ये जाता है जो ये घास लगी हुई है यहाँ पे उन्होंने अफ्रीका से इंपोर्ट कराई थी। में जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि टाइगर की वजह से सबसे ज़्यादा ये चमकने वाला है, क्योंकि टाइगर देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। दिल्ली से कोई कॉर्बेट जाएगा, कोई बांधवगढ़ जाएगा, हर जगह जाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का रन लगता है। पर अब सरिस्का में जैसे अभी हमारे पास 23 टाइगर हो चुके हैं, जिनमें से 11 फीमेल हैं, 6 मेल हैं, बाकी बच्चे हैं, शावक हैं, कब्स हैं, जिनमें से 2 कब्स यहाँ इस कोर बर्फर एरिया में हैं। और देखिए सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है दिल्ली से और 2.5 घंटे में गुड़गांव से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आने वाले कुछ साल में जैसे जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम मतलब जो भी लोग स्थानीय वो लोग जुड़ के कंजर्व करेंगे, आप जैसे लोग आते रहेंगे, तो जैसे ही टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ेगी और आपको हार्डली मतलब आपको ऐसा कोई प्रॉपर ट्रिप भी प्लान नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम उस दिन जाएंगे। आपने जस्ट शाम को प्लान बनाया, आप मॉर्निंग में उठ के आ जाएँ, सफारी करें और आप टाइगर देखें और वापस चले जाएँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। हमने एंजॉय किया अलवर सिटी पैलेस, अलवर म्यूजियम, मूसी रानी की छतरी और फिर जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो था आज हमारा सफ़र बाला किला का और उसकी जंगल सफारी। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह आप सबके साथ। हम कवर करेंगे कल सिली सेट और एंजॉय करेंगे यहाँ के कुछ स्ट्रीट फूड्स और फाइनली चलेंगे मिल केक लेने के लिए जो कि अलवर का सबसे मशहूर है और हम चलेंगे बाबाज आउटलेट पर। तो मिलते हैं आप सबके साथ कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 2 अलवर में और आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ होटल की। होटल हमने लिया है लेमन ट्री और ये हमें पड़ा है 3000 का विद ब्रेकफास्ट। और अभी हम जा रहे हैं सिली सेड और सिली सेड की अपनी ही एक रोमांटिक कहानी है। तो सिली सेड पहुँचते हैं और आपको बताते हैं एग्जैक्टली कैसे बनी, किसने बनवाई, देते हैं आपको सारी डिटेल्स। हमें अभी अलवर के सिलीसेड लेक में और यहाँ की एंट्री टिकट कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे एक कैंटीन भी है जिसके अंदर आप एक पेप्सी ले सकते हैं या एक चाय ले सकते हैं जो कि टिकट कॉस्ट में ही इंक्लूडेड है। यहाँ की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तकरीबन 200 साल पहले यहाँ के राजा विनय सिंह जी ने ये अपनी वाइफ महारानी शीला के लिए बनवाई थी और वो यहाँ पे आते थे शिकार करने के लिए और उनको राजपूतों की एक बेटी जिनका नाम था महारानी शीला वो पसंद आ गई और उनसे शादी करने की उनकी इच्छा हुई। और महारानी शीला ने ये शर्त रखी कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरे लिए यहाँ पे एक महल बनवाना पड़ेगा जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो उन्होंने महल बनवाया था उनके लिए। स्पेशलिटी है अलवर की, यहाँ पे टोटल 5 आउटलेट्स हैं जिसकी इनफैक्ट अभी पता चला कि आज 5वें आउटलेट की इनॉग्रेशन है।
तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से और जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इन बाबा आउटलेट के बारे में। तो सर बताएंगे बाबा आउटलेट के बारे में। जी सर, इसकी शुरुआत बाबा साहब जी ने 1947 में पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान से इंडिया आए थे तब उनको यहाँ पे इन्होंने पहली बार जो मिठाई बनाई तो पहली बार उन्होंने दूध उबालते हुए जो मीठा डालकर जो पहली बार बना था वो कलाकंद, उन्होंने इनका नाम कलाकंद रखा। फर्स्ट टाइम जो पहली बार कलाकंद का शुरुआत आविष्कार किया था जो बाबा साहब ने किया था और जो अभी तक इसकी ख्याति प्राप्त है इनकी देन है, इनकी वजह से इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ है। आज ही एक नए आउटलेट की शुरुआत है अलवर के अंदर, 4 हमारे पहले ही हैं और 5वें की आज इनॉग्रेशन आज ही हो रहा है। कुछ बताएंगे कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे, कैसे जाया जा सकता है वहाँ पे? सर वो अलवर टू दिल्ली रोड पे, अलवर से बाहर निकलेंगे हाईवे पे, वहाँ पे अपना 5वां आउटलेट खुल रहा है और सोसाइटी अपना घर शालीमार। आप बता रहे हैं हाईवे पे जी जो है शालीमार सोसाइटी? यस सर, वहाँ पे जो है नया आउटलेट खुल रहा है। जी सर, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जी जो मार्केट के अंदर नहीं जा सकते, गाड़ी से नहीं आ सकते और रास्ते में वहाँ पे कलाकंद का मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पुराना आउटलेट है मार्केट के अंदर है 1947 से, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ ये पहली बार बना था, आज भी वही पुराने मार्केट में वही पुराने शेप में शॉप है, उतनी ही शॉप है। तो ये वाली मार्केट कौन सी है और किसको यहाँ पे आना हो इस पर्टिकुलर मार्केट में? ये नंगली सर्कल है सर, ये अलवर का थोड़ा खुला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा वो होता है, इससे आगे जाएंगे तो और ही कंजेस्टेड मार्केट हो जाएगी, जो पुराना मार्केट स्टार्ट हो। तो बेसिकली जिसको कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाना वो यहाँ पे आ सकते हैं, जिनको ऑथेंटिक जो सबसे पहली दुकान खोली थी जो वहाँ पे जाना चाहे तो उनको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। ये है ब्राउन वाला मिल्क केक जिसको काफ़ी ये भून के बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, बहुत ही शानदार। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है, इतना दानेदार है, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी हमने कलाकंद ले लिया है और हम लेने जा रहे हैं कचौड़ी, अलवर की बहुत ही फेमस स्नैक्स में से है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा अलवर का सफ़र और अलवर का ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जगह घूम पाए, लेकिन जितना भी हम गए उतने उसमें हमने खूब इन्जॉय किया और हम डेफिनेटली, ये था हमारा पार्ट 1 और हम वापस ज़रूर आएंगे क्योंकि अक्टूबर के मंथ में कहा जाता है कि सरिस्का टाइगर सेंचुरी में काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको टाइगर्स देखने को मिलें। तो हम प्लान करेंगे अपना विजिट नेक्स्ट अक्टूबर में और फिर हमारा आप इन्जॉय करेंगे पार्ट 2 of Alwar. So friends, I hope you enjoyed the video. और अगर subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिए और like and share भी कीजिए। Bell icon को click करना मत भूलिएगा ताकि मिल सके आपको notifications हमारे आने वाले videos की। आपके हर एक like से हमें मिलती है motivation ताकि हम आपके लिए लेके आ सकें नए और अच्छे videos। तो मिलते हैं आप सबसे अपने अगले video में।